हेलो हाय गाइस, कैसे आप लोग। मैं योगेश, आप लोग का स्टॉक मार्केट एडवाइज़र एंड ट्रेनर। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद फिर से वापस आ गया हूँ और अब से कंटिन्यू वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, एक और चीज़, आज का जो प्रेजेंट कंडीशन है तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे आज इस वीडियो में। और जिनके लिए भी ये चैनल न्यू है और ये स्क्रीन न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम लोग SBI और यस बैंक के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं दोनों का चार्ट ओपन किया हुआ हूँ। ये देखिए, SBIN का भी मैं चार्ट ओपन किया हुआ और यस बैंक का भी चार्ट ओपन किया हुआ हूँ। तो कल तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत ऊपर ही गई थी। और इनफैक्ट SBI का हम लोग 4% तक ऊपर गई थी गाइस। और देखिए, अप्रॉक्स स्टार्ट हुई थी तो कल लगभग 190 पे थी और अभी अच्छे खासे ऊपर गई है गाइस। और इनफैक्ट इतनी डाउन पे भी गई थी गाइस। तो अगर हम लोग देखें 1 मंथ का, तो 1 मंथ का अभी शुरुआत इसी तरीके से है। और मैं आप लोग को यही बोलूंगा, अगर आज मार्केट पॉजिटिव में गया जाता है तो आप लोग को SBI का शेयर बाई में लेना चाहिए गाइस, और 199 अपना टारगेट प्राइस रखना चाहिए गाइस। और 6 मंथ का भी देखे तो यही करंट फ्लक्चुएशन हो रही है गाइस, तो मैं यही बोलूँगा। और अब जो यस बैंक का बोले गाइस, मेरे तरफ से तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग अभी यस बैंक में शेयर्स ले सकते हैं और इनफैक्ट अच्छा खासा अमाउंट भी ले सकते हैं अगर सेम यही प्राइस पे रहा। तो अभी करंट प्राइस है 12.25, तो अगर सेम यही प्राइस पे है गाइस तो आप लोग ले सकते हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा। और इनफैक्ट आप लोग का टारगेट प्राइस आप लोग रख सकते हैं 13.25, तो मैं मतलब अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ 1% का। तो अगर आप लोग सॉरी अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ 1 रुपीज़ का, तो गाइस आप लोग ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और गाइस, ये लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा, एक बार अपने से भी एनालाइज करके लीजिएगा, दैट्स ऑल। और आज के वीडियो में यही था, या से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।